हेलो गाइस, आज हम लोग बायोलॉजी के 150+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, जहां से डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। देखिए, ये वाला जो वीडियो है, ये हमारा 6 और 7 चैप्टर यानी कि जो मिसलेनियस और इंपॉर्टेंट फैक्ट वाला पार्ट है वो कवर करता है। और इससे पहले ये सारी वीडियो मैं बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो यहाँ पर आइकन है, वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं या तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा कि प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। तो देखिए, ये कैसे मदद करता है, तो ये जैव रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है उनको कम करके जो प्रशीतन है वो खाद्य परीक्षण में मदद करता है। प्रशीतन का मतलब क्या होता है, देखिए आगे जो वर्ड छुपा हुआ है वो है शीतन, यानी कि कोई भी चीज़ को ठंडा करना, रेफ्रिजरेशन करना। अगर आप इसका पूरी मीनिंग निकालेंगे, प्रशीतन का मतलब होता है रेफ्रिजरेशन, यानी कि कोई भी चीज़ को ठंडा करना, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, इस तरीके से जो हिंदी वाले वर्ड है वो हमको कन्फ्यूज़ कर देते हैं। तो इसको आप क्या करा करिए, कभी भी इनका इंग्लिश वर्ड देख लीजिए करे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाया करेगा। देखिए, किसके द्वारा दूध खट्टा होता है, तो वो बैक्टीरियाज द्वारा होता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि आप जब दूध पीते हैं तो वो आपको खट्टा लगता है, तो वो किसके कारण लगता है, वो बैक्टीरियास के द्वारा। और लैक्टोबैक्टीरिया आपने सुना ही होगा, लैक्टोबैक्टीरिया के कारण उसकी जो खट्टासपन है वो हमको देखने को मिलती है, ओके। अगला देखते हैं हम लोग कि जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है। तो देखिए, जीवाणु के माध्यम से। दूध के दही के रूप में जमने का क्या कारण है, तो वह है लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस, ओके। बात करें जो HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है, तो वो है एड्स। तो एड्स का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या है इसका फुल फॉर्म? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और ये किस वायरस द्वारा होता है? ये HIV वायरस द्वारा होता है। और इससे शरीर के रोग की जो आपका इम्यून सिस्टम है उसकी बाट लग जाती है, ओके, यानी कि जो उसकी क्षमता है वो खत्म हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, एड्स का कारण क्या है, तो वो है वायरस। तो एड्स भी वायरस के कारण होता है, और होता कैसे आपको मालूम है कि सेक्सुअल कॉन्टेक्ट बनाने से होता है। और देखिए क्या होता है, एक से ज्यादा चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एड्स का कारण क्या है, तो वो है वायरस। तो वायरस के कारण एड्स होता है, और आपको लोग को मालूम है कि एक से ज्यादा देखिए एड्स का कारण क्या है। अगला क्वेश्चन है, एड्स का कारण क्या है, तो वह है वायरस। तो आप सभी लोग को मालूम है कि एड्स जो है एक से ज़्यादा अधिक सेक्सुअल कॉन्टेक्ट बनाने से होता है। इसके वायरस के बारे में मैं एक चीज़ बता दूं आप लोग को, अगर ये वायरस एक बार आपके शरीर में एंटर कर दिया तो आपकी इम्यून सिस्टम तो ख़त्म कर ही देगा, लेकिन ये एक बार एंटर कर देता है ना, तो अभी तक कोई भी ऐसी वैक्सीन नहीं हुई है जो इसको बाहर निकाल सके। ये आपके मरने तक का जो है आपके अंदर ये रहता है, आपको मालूम ही है। तो ये अंदर पता है, ये ऐसा अतिथि है जो कि ये ठान कर आया है कि आपके घर में अब उसको रहना ही है, ये जाने के लिए नहीं आया है, ठीक है। तो ये आपको समझना है, ये एक बार किसी को एड्स हो जाए तो वो हमेशा के लिए उसके शरीर में रहता है, और ये जो फैलता है ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलता है, ये किसी के खून के डायरेक्ट संपर्क में आने से फैलता है, और डायरेक्ट जो है माँ से बच्चे में भी ट्रांसफर होता है, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। बात करें विषाणु में क्या होता है, तो उसमें न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। तो देखिए, वायरस पे मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाई थी एक, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसमें देखना, मैंने अच्छे से पहला बेसिक बताया था और बहुत सारी चीज़ उसमें कैसा अटैक करता है, किस तरीके से उसका नेचर रहता है वो मैंने आपको बताया था। चलिए यहीं पर बता देता हूँ, अगर आपको कोई भी कफिंग होती है, मतलब खांसी होती है, और सर्दी जुकाम होता है या छींक आती है, तो क्या होता है, आपके शरीर से या आपके मुंह से ड्रॉपलेट निकलते हैं, जो पानी की बूंद जैसी रहती है ना, वो ड्रॉपलेट निकलते हैं। तो उसमें कई हजारों बोल लो या बहुत सारे वायरसेस रहते हैं। ये वायरसेस के संपर्क में अगर कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो उसके मुंह से उसके अंदर एंटर कर लेते हैं, या वो उसके हाथ में लग जाते हैं तो वो हाथ आँख नाक या मुँह में लगा लेता है, तब वहाँ से वो अंदर प्रवेश कर लेते हैं। फिर क्या होता है, ये जाके आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में बैठ जाता है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या कर देता है, एक तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके कारण आपको खांसी होती है। और मैं अभी कोरोना जो सार्स को भी है उसके संपर्क में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये इस तरीके से अटैक करता है, कोई भी वायरस करता है, तो वो आपकी जो सेल है ना, अब देखिए ये अंदर गया तो अंदर जाके करता क्या है, तो ये मान लीजिए ये आपकी कोशिका, ये सेल है, तो ये अंदर जाएगा तो अंदर में आपके प्रवेश कर लेगा जो स्पाइक प्रोटीन है उसके कारण। अंदर जाने के बाद ये आपके पास न्यूक्लियस जाएगा, जहाँ पर आपका प्रोटीन बनता है, राइबोसोम को आपको मालूम है कि प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो ये राइबोसोम के पास जाता है, वहाँ पे जाके क्या करता है, खुद प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है, और वहाँ जाके अपने आप को जो है रेप्लिकेट करता है, रेप्लिकेट मतलब अपने आप को डिवाइड करता है,
और डिवाइड करके क्या कर देता है, बहुत सारे इस कोशिका के अंदर बना देता है। और फिर जब ये बाहर निकलते हैं ना, तो इस कोशिका को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ये कोशिका क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो जब ये कोशिका खत्म हो जाती है, तो इससे कई वायरस जो है बाहर निकल जाते हैं, फिर यही कई वायरस जाके क्या करते हैं, आपकी और सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं। इस तरीके से जो है ये हमारे शरीर को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है वायरस। वही आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, अगला जो है हमारा क्वेश्चन कि सार्स क्या है। तो सार्स विषाणु जनित जो है एक रोग है। सार्स जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिंड्रोम मतलब कि जो आपके फेफड़े हैं, वो फेफड़े से रिलेटिव ये बीमारी है। तो देखिए, अभी जो नाम रखा गया है कोरोना वायरस का, तो इसका नाम क्या रखा गया है, सार्स कोव टू रखा गया है। इससे पहले ऑलरेडी सार्स आया था, तो उसमें उसके नाम पर रखा गया, क्योंकि इसी की फैमिली का या इसी से सिमिलर उसका मिलता जुलता स्ट्रक्चर है, इसलिए उसका नाम सार्स कोव टू रख दिया गया है। ओके, ध्यान रखना है आप लोग को। और एक चीज़ और बता दूं, सार्स हो या सार्स कोव टू हो, ये दोनों की फैमिली क्या है, वो है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस किसी वायरस का नाम नहीं है, ये एक फैमिली का नाम है, ठीक है। तो कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना है आपको। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि खसरा किस संक्रमण के कारण होता है, तो वो भी वायरस के कारण होता है। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है, तो वो चेचक रोग जो है विषाणु के कारण होता है। तो यहाँ पर आपको ये दे देगा और बहुत सारे ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो उसमें से आपको चेचक लगा कर आना है। तो इसमें काफ़ी प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन भी इसमें ऐड हैं, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर हो जा रहे हैं। बात करें जंतु में होने वाला फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है, तो वो भी वायरस के कारण होता है। याद रखना है, फूट एंड माउथ रोग जो है वो किसके कारण उत्पन्न होता है, वायरस के कारण। मशरूम क्या है, तो मशरूम क्या है, एक तरीके का फंगस है वो, ठीक है, वो कवक है। ओके, जो प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन सा था, तो वो था आपका पेनिसिलिन, ठीक है। तो प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक था पेनिसिलिन। याद रखना है, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है, तो वो कवक के द्वारा उत्पन्न होती है। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, बहुत ही सिली क्वेश्चन है, सन से। दमा और खांसी के रोग में काम आने वाली जो औषधि है, औषधि का नाम क्या है, वो है एफेड्रिन। एफेड्रिन किससे प्राप्त होती है, तो वो एफेड्रा से प्राप्त होती है। कौन एक जीवित जीवाश्म यानी कि जो लिविंग फॉसिल है कहलाता है, तो वो जिकंगो जो है लिविंग फॉसिल कहलाता है। इसके बाद जो विषाणु वृद्धि करता है, तो वो जीवित कोशिकाओं में जो है अपने आप की वृद्धि करता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, वो रेप्लिकेट कैसे करता है, अपनी सेल में कोशिका में जाता है और अपने आप को क्या करता है, रेप्लिकेट करता है। बात करें जो भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान किससे संबंधित है, तो वो है बच्चों के टीकाकरण से। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास व प्रजनन करने में समर्थ रहता है, तो वो है आपका माइकोप्लाज्मा। ओके, याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डीएनए यानी कि डीएनए अंगुली छापन और जो नैदानिक शोध केंद्र अवस्थित है, तो कहाँ पर है ये, तो ये है आपका हैदराबाद में। हैदराबाद कहाँ पर है, ये है आपका तेलंगाना। ओके, अगला क्वेश्चन है, किसने आविष्कार किया कि पेड़ पौधे में भी जीवन है, तो वो है जेसी बोस ने आविष्कार किया था। मास्टर ग्रंथि की उपमा किस ग्रंथि को प्रदान की गई है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि को जो है, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि नेत्र का कौन सा भाग कैमरे के जो डायफ्रेम की भांति कार्य करता है, तो वो आयरिश है जो कि कैमरे के डायफ्रेम की तरह कार्य करता है। बहुत एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आयरिश होता है क्या है, थोड़ा सा आप इसको देख लीजिए। देखिए, आयरिश आपके आँख का वो भाग होता है जिसके कारण आपकी आंखों का रंग का कलर पता चलता है। अगर आप किसी की आंख देखते हैं ना, तो बोलते हैं इसकी आंख भूरी है, इसकी आंख ब्लू है, इसकी आंख ग्रीन है, तो वो कैसे पता करते हैं, तो वो उसके आयरिश को देख के पता करते हैं। अब देखिए, यहाँ से जो प्रकाश आता है आपकी आंखों में पड़ता है, वो तो वाइट प्रकाश ही पड़ता है, लेकिन क्या होता है, आपके आयरिश में जो पिगमेंट उपस्थित रहता है, आपका आयरिश जिस रंग का पिगमेंट को रिलीज करता है या जिस पिगमेंट को जो है वो रिफ्लेक्ट करता है, उसी कलर की आपकी आंखें दिखती हैं। ओके, तो ये आपको समझना चाहिए, आपके जो आंखों का कलर दिखता है वो आयरिश के कारण ही दिखता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि आई बैंक में आंख का कौन सा भाग जो है निकाल कर रखा जाता है, तो वो है कॉर्निया। देखिए, कॉर्निया कहाँ होता है, जब आपकी आंख ऐसे कुछ उठी रहती है, ठीक है, तो ये जो ऊपर वाली लेयर रहती है ना, ऊपर वाली लेयर जिसके कारण आपकी आंख जो है वो चमकदार दिखाई देती है, चमकती है, वही वाली जो हिस्सा कहलाता है वो आपका कॉर्निया कहलाता है। और एक चीज़ और आपको मालूम होना चाहिए, जब किसी को भी आंख दान करते हैं ना, तो आंख दान के समय ये कॉर्निया वाला पार्ट ही दान किया जाता है, पूरी आंख दान नहीं करी जाती। कौन सा भाग दान किया जाता है, तो वो कॉर्निया भाग दान किया जाता है। और अगर हम लोग बात करें कि हमारी आंख में कौन सा लेंस लगा रहता है, तो हमारी आंख में जो लगा रहता है उत्तल लेंस लगा होता है। ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बात करें
बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है, तो किसमें, स्तनपाई में दिखाई देता है। लिटमस प्राप्त कहाँ से होता है, तो हमें वो लाइकन से प्राप्त होता है। लिटमस पेपर के बारे में मैंने आपको जो अम्ल वाली है उसमें मैंने आपको बताया था, ठीक है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था, तो वो डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने करा था। जीन शब्द का सबसे प्रथम प्रयोग किसने करा था, इंपॉर्टेंट है, तो वो करा था जोहानसन ने। किसके द्वारा, अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया, तो वो वॉटसन के द्वारा कहा गया था, ठीक है। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है तो वो क्रोमोसोम से होता है। तो देखिए क्रोमोसोम होते कहाँ हैं, आपने हमारी कोशिका पढ़ी है, कोशिका में एक होता है आपका न्यूक्लियस जिसको हम लोग केंद्रक कहते हैं, ओके। तो उसके अंदर और पाया जाता है एक न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के साथ होते हैं वहाँ पर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम जो कि एक्स टाइप के हमको दिखते हैं, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम के अंदर हमारा जो होता है वो होता है डीएनए, ठीक है, डीएनए टाइप का होता है डीएनए। तो इसमें ही जो होते हैं हमारे अनुवांशिक गुण पाए जाते हैं। अनुवांशिक गुण मतलब क्या होता है, अनुवांशिक गुण वो होते हैं जो कि हमको हमारे माता पिता से प्राप्त होते हैं, ठीक है, वही अनुवांशिक आपके गुण कहलाते हैं, आपको पता चलना चाहिए। तो एक क्रोमोसोम जो होते हैं, जैसे महिलाओं के पास जो क्रोमोसोम होते हैं वो एक्स एक्स होते हैं, और जो पुरुष के पास, मेल के पास जो क्रोमोसोम होते हैं वो कौन से क्रोमोसोम होते हैं, वो वाई क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें कोई भी कंफ्यूज आपको नहीं होना है, ओके। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, कि डीएनए के जो दो हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था, तो वॉटसन एंड क्रिक ने करा था। तो देखिए ये दो हेलिक्स का मतलब क्या है, आपने डीएनए का अगर वो देखा होगा डायग्राम तो कुछ ऐसा टाइप का डीएनए दिखता है ना, तो ये दो हेलिक्स मतलब ये जो दो लाइन है ना, ये दो हेलिक्स बता रहे हैं। अगर आप आरएनए देखेंगे तो वो सिंगल लाइन बना हुआ रहता है, मतलब सिंगल हेलिक्स है, और अगर डबल लाइन बनी हुई रहती है तो वो क्या है, डबल हेलिक्स है। फिर यहाँ पर वही गुआनिन थायमिन वगैरह जो इसके अंदर होते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य का को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है, तो कहलाता है, क्या कहलाता है, वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहलाता है, ठीक है, याद रखना है आप लोग को। अगला क्वेश्चन है आपका कि 80% से अधिक सेल यानी कि जो हमारी कोशिका है, कोशिकाओं में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है, तो वह है जल, ठीक है। तो याद रखना क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है, तो वह है आपका जल। एक कोष्ठीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या होता है, तो देखिए पत्तियों से जो है पौधों के अन्य भागों को खाद्य परिवहन करना, यह उसका मुख्य कार्य होता है। संवहनी पौधों में पानी के ऊपर किससे जाता है, तो संवहनीय पौधों में जो पानी है वो ऊपर किससे जाता है, तो वो जाइलम टिश्यू के माध्यम से जाता है, याद रखना है आप लोग को। किसके माध्यम से पानी ऊपर जाता है, जाइलम टिश्यू के माध्यम से। देखिए किस भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का जो है सिद्धांत प्रस्तुत किया था, तो वो थे जेसी बोस, ओके। बात करें संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र क्या है, तो वो सागर है। सबसे बड़ा इकोसिस्टम कौन सा है, तो वो है आपका सागर, ओके। बात करें हम लोग जब हम बकरी बकरी का मांस खाते हैं तब हम क्या हो, कौन से उपभोक्ता होते हैं, तो वो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, ठीक है। सेकेंडरी प्रोड्यूसर, सेकेंडरी कंज्यूमर, सॉरी प्रोड्यूसर नहीं, सेकेंडरी कंज्यूमर। बात करें जो हाइड्रोफाइट है, हाइड्रोफाइट किसको कहते हैं, तो वो जलीय पौधे को कहते हैं। मरुद्भिद पौधा है तो वो है आपका करील, ओके। आगे बात करते हैं हम लोग कि पर्यावरण के जो अजैव अवयव का उदाहरण है, तो वो है वायु। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो वो मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से संबंधित है। बात करें जो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगीकरण कौन है, तो वो है हरे पौधे। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात होने चाहिए, तो वो 33%, 33.3%। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो वो पारिस्थितिकी यानी कि जो इकोलॉजी है उसके अंतर्गत। बात करें जो जीनोबायोटिक्स को जो सूक्ष्म जीवी आक्रमणों के प्रति आनुवांशिक रूप से प्रतिरोधी हैं, वह कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आपके रिकेलश्री त्रांत, ठीक है, रिकेलश्री त्रांत, ओके। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि अधिक किण्वन यानी कि जो डार्क फॉर्मेंटेशन होता है उससे क्या समझते हैं आप लोग, तो यह है एक अपशिष्ट जल में अगला क्वेश्चन है आपका कि अत्यधिक किण्वन यानी कि जो डार्क फॉर्मेंटेशन होता है उससे आप क्या समझते हैं, तो यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में जो है हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है, ओके, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका कि पारिस्थितिक तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी, तो ए जी टॉन्सले ने।
किसने एजी टर्न्स लेने इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है कि जो इकोसिस्टम है उसकी शब्दावली, उसकी जो वोकेबलरी है वो किसने प्रस्तुत की थी, तो वो एजी टर्न्स लेने करी थी। पारिस्थितिक तंत्र किससे मिलकर बनता है, तो वो जीवीय समुदाय और उसके जो निर्जीव घटक है उनसे मिलकर बनता है। पारिस्थितिक तंत्र विज्ञान के केंद्र कहाँ पर स्थित है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, तो बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। जैव विविधता को अन्य किस रूप में भी जाना जाता है, तो वो पारिस्थितिकी तंत्र विविधता के रूप में भी जाना जाता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है, वो है सूर्य। बात करें NH2 प्रदूषण का सर्वप्रथम सूचक क्या है, वो है लाइकेन आपका। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि प्रकृति के संतुलन तय करने वाला मुख्य कारक क्या है, तो वह है पर्यावरणीय पारिस्थितिकी। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि जो हमारा IUCN है द्वारा जो है प्रमुख संकटग्रस्त को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, तो 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें आपको मालूम है कि लिस्ट कंसर्न है, फिर कंसर्न है, एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, एक्सटिंक है, ठीक है, ये सारे आते हैं उसमें। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि जो BOD, देखिए BOD का फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो क्या होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो इसका परीक्षण किया जाता है, तो जल के प्रदूषण को मापने के लिए किया जाता है। ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज जो कि चार्ल्स डार्विन की रचना है, और इन्हीं ने ही जो है प्राकृतिक चयन यानी कि जो नेचुरल सिलेक्शन है उसका सिद्धांत दिया था। जीवों के जीवाश्म किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं, तो वो आप सारी चट्टानें सेडिमेंट्री रॉक। देखिए सेडिमेंट्री रॉक वो होती हैं जो कि बारिश के कारण बनती है, या कि ये कह सक कह लो आप लोग जो नदियों द्वारा जो पत्थर लेकर आती है नदियाँ, वो जो रॉक कहलाती हैं, वो अवसाद बहुत सारे लेकर आती हैं, वही अवसाद क्या कहलाता है आपका, आप सारी चट्टानें कहलाता है, और ये बहुत आसानी से टूट जाती है, ठीक है, लगभग मिट्टी और ये बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनती है। अवसाद मतलब क्या होता है, एक तरीके से बहुत सारी चीज़ें मिलके कोई एक अलग रॉक बनना है ना, तो वो अवसाद जो है वो क्या कहलाती हैं आपकी, अवसादे चट्टानें कहलाती हैं, ठीक है, ये भी आप समझ लीजिए। या देखिए वह चट्टानें जो बारिश के बूंदे पड़ पड़ के क्या हो गई है, उस पर बहुत सारे छेद हो जाते हैं और वो आसानी से टूट जाती है, वो आपकी अवसादी चट्टानें कहलाती हैं। मनुष्य किसके द्वारा जीव मंडल में पारिस्थिति की संतुलन बनाए रखे रख रख सकता है, तो देखिए संबंधित पौधों की जो नई किस्में हैं या पालतू पशु की जो नई नस्लें विकसित करना, इसके माध्यम से जो है पारिस्थिति की संतुलन बनाए रख सकता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि भारत में वन अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है, देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। बात करें पृथ्वी का विशालतम पारितंत्र क्या है, तो वो जलमंडल है। अब देखिए वो क्वेश्चन उसने एकदम घुमा के पूछ लिया है, आंसर उसका वही है कि जो है सब विशाल पृथ्वी का सबसे विशालतम जो पारितंत्र कौन सा है, वहाँ पर सागर पूछा था, यहाँ पर उसने जलमंडल ऑप्शन में दे दिया है, तो आपको जलमंडल लगा कराना है, कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। देखिए क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बिल्कुल होते हैं, बस उसके पूछने का तरीका चेंज हो जाता है, ठीक है, तो हमारे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए या हमको पता होना चाहिए, आप आराम से इसको लगा लोगे। एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र या जो हमारा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है निरूपित किया जाता है, तो वो कैसे किया जाता है, वो जल विशाल जल जीव शाला के द्वारा। ओके बात करें जो रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देता है जो कि कौन सी है, संकटापन्न हो या एंडेंजर्ड हो। या बात करें अगला क्वेश्चन के बारे में, जो हमारे भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन कौन सा एक प्रमुख कारण है, तो वो वनोन्मूलन, ठीक है। ताल पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है, तो वो उत्पादों व उपभोक्ताओं पर निर्भर करती है। प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक कौन सा है, तो मानव की गतिविधियाँ। वैश्विक विरासत वन माना जाता है, तो पश्चिम बंगाल का जो सुंदरवन है उसको माना जाता है, और सुंदरवन मैंने एक चीज़ आपको जब नेशनल पार्क वगैरह पता पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि सुंदरवन जो है ना वो सब कुछ है, वो एक विश्व विरासत स्थल में भी शामिल है, और वो जो है एक नेशनल पार्क भी है, वो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, वो हमारे पूरे विश्व का सबसे बड़ा जो है वेटलैंड भी है, ठीक है, या ये कह दो बहुत सारा सबसे बड़ा जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, और क्या है वो हमारे बांग्लादेश और हमारे पश्चिम बंगाल में दोनों साइड है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके अगला देखते हैं हमारा क्वेश्चन कि वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है, तो याद रखना है इंपॉर्टेंट है, तो वह है जो फाइकोसाइनिन। ओके ओजोन इतनी सांद्रता या संकेंद्रण पर जो है गंभीर जो है फुफ्सीय रोग उत्पन्न करने व मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, तो वो क्या किस पर कैसे करता है, तो देखिए वो 9.0 PPM पे करता है, ठीक है। बात करते हैं विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है, तो जल हाइसिंथ। ओके यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु इसकी कमी के कारण मर जाएंगे, किसके कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण।
जो अत्यधिक वनोन्मूलन है उसका सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव कहाँ पर पड़ता है? वो मृदा अपरदन से पड़ता है। देखिए जो ये ऑक्सीजन है, जब पूरे पादप या पेड़ पौधे भर जाएंगे तो ऑक्सीजन तो भली बात है कि ऑक्सीजन जो है हमको अच्छे से नहीं मिल पाएगी, लेकिन आपको एक चीज़ और बताऊँ, हमारा जो सबसे बड़ा स्रोत है ऑक्सीजन का वह है हमारे सागर समुद्र, क्योंकि उसमें जो हमारे जू प्लैंकटन पाए जाते हैं वो जू प्लैंकटन जो है बहुत सारे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, उन्हीं के कारण हमको ऑक्सीजन मिल पाती है। और ये जो सागर है ना, ये हमारे कार्बन सिंक भी होते हैं, हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ये सागर समुद्र ये क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ हम पेड़ जो लोग पेड़ हैं वही हमें ऑक्सीजन देते हैं, वही हमारे हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है। तो ये कन्फ्यूज़न आपको नहीं रखना है, ये मिथ आपको नहीं रखना है। चार आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं तो वो उत्पादक होते हैं, पर्यावरण आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है तो वो है नीरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, समुद्र मछलियों में सबसे छोटी मछली कौन सी होती है? तो वो होती है डवार्फ मिमी गोभी, ओके पिमी बिगमी गोभी। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि एरिनियोलॉजी किससे संबंधित है, तो वो मकड़ियों के अध्ययन से संबंधित है। अंगुलियों के निशाने को बहुरंगीय सतह पर उभरने यानी कि जो डेवलप करने हेतु क्या प्रयुक्त होता है, तो वो होता है आपका फ्लोरोसेंट पाउडर। और अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है तो कीटों द्वारा, फेरोमोन्स विपरीत लिंगी कीटों को आकर्षित करने के लिए तथा स्वभाव को निर्धारित करने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव जो कि बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है वह एक है, तो वो क्या है? अनुवांशिक रूप से परिवर्तित जो बैगन है वो बीटी क्रॉप जो रहती है ना, आप जितने भी सब्जी देखते हो अच्छे से, पहले के आप सब्जी देखते तो उनका शेप जो है आड़ा टेढ़ा, सारे जो बैगन वगैरह थे तो वो आपको एक जैसे शेप के नहीं दिखते थे, लेकिन अगर आज आप लेने जाओगे ना मार्केट वगैरह में तो उनके देखना एकदम शाइनिंग मारते दिखेंगे और सबके शेप एक जैसे दिखेंगे। तो आजकल ये क्रॉप इतनी अच्छी अच्छी क्यों हो रही है? देखिए उसमें जो अनुवांशिक है, अनुवांशिक छेड़छाड़ करके, अनुवांशिक रूप से परिवर्तन करके ये जो क्रॉप है वो बनाई जा रही है, बीटी क्रॉप्स बनाई जा रही है, ठीक है। ओके आगे देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के बारे में कि जो एनियोसेंटियोसिस है तो वो क्या है? देखिए तो गर्भवती महिलाओं में किया जाने वाला जो एक प्रसवपूर्ण परीक्षण है, ठीक है, याद रखना है आप लोग को। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक जेम्स डी वाटसन को किस कार्य क्षेत्र में जो है अपने कार्य के लिए दिया गया था? तो वो अनुवांशिक के लिए उनको दिया था, जेनेटिक्स के लिए उनको दिया गया था। जिनको प्रौद्योगिकी यानी कि जिनको इंजीनियरिंग है तो ये क्या है, तो किससे संबंधित है? तो देखिए अनुवांशिक रोगों के पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक है ये, ओके। बात करें दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रमित क्षेत्र क्या कहलाता है, तो वो इकोटोन कहलाता है, ओके। मतलब कि दो कम्युनिटी है, दो कम्युनिटी के बीच के ये वाला जो भाग रहता है ना, ये आपका क्या कहलाता है? इकोटोन कहलाता है, ओके। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी परछाप कहते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल यानी कि जो डबल हेलिक्स मॉडल है वो किसने दिया था? तो वो दिया था वाटसन व क्रिक ने। माता पिता के गुण व उनकी संतानों में किसके द्वारा जो है स्थानांतरित होते हैं? तो वो गुणसूत्र द्वारा स्थानांतरित होते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पुरुषों में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी होता है? तो वो होता है XY। मान लो देखिए ये जो है मेल, मेल के पास दो क्रोमोसोम होते हैं, वो होता है XY दोनों होता है, और जो फीमेल रहती हैं उनके पास सिर्फ जो आपका एक्स क्रोमोसोम है वही होता है। अब देखिए जब सेक्सुअल कॉन्टेक्ट बनाते हैं तो इसमें जो क्रोमोसोम का आदान प्रदान होता है, तो क्रोमोसोम में अगर मेल जो है वो एक्स क्रोमोसोम देता है और फीमेल अगर एक्स क्रोमोसोम देती है, तो दोनों के एक्स क्रोमोसोम मिलके जो बनाते हैं वो फीमेल बनाते हैं, है ना, ठीक है, फीमेल बनाते हैं, या जो बच्चा पैदा होता है, चाइल्ड पैदा होती है तो वो फीमेल पैदा होती है। इसके बाद अगर ये जो वाई क्रोमोसोम देता है, अगर मेल की तरफ से वाई क्रोमोसोम प्राप्त होता है और जो फीमेल है, फीमेल की तरफ से जो है एक्स क्रोमोसोम प्राप्त होता है, तो वो है पैदा होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक सामान्य मानव शरीर की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो वो 46 होती है, याद रखना है कितने क्रोमोसोम होते हैं, वो होते हैं 46। मनुष्य में नर का जो गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है तो वो XY होता है। बात करें बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी को क्रोमोसोम कौन सा आता है? वो माता पिता का होता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक होता है? तो मैंने आपको बताया था वाई और एक्स के मिलने से क्या होता है, वो होता है बालक होता है, ठीक है।
बात करें शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तो वो डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग किया जाता है। जीन शब्द का किसने बनाया था, तो वो जी मेंडल ने बनाया था। वर्णदत्ता, ओके, जो ब्लाइंडनेस रहती है वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देता है, तो वो लाल रंग उसको काला दिखाई देता है। ओके, आगे बात करें डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है, तो बलात्कारी के पहचान के लिए, जो रेपिस्ट है और जो माता पिता या चोर की। ठीक है, आप लोग देखते हैं ना कि जब किसी का रेप हो जाता है तो जो उसके डीएनए सैंपल लिए जाते हैं, उसके क्रोमोसोम के सैंपल लिए जाते हैं, उसके माध्यम से किसी का भी पता चल जाता है जो भी बलात्कारी है उसका। ठीक है, बात करें मनुष्य के जो डीएनए में चार प्रकार के जो है नाइट्रोजन क्षार होते हैं, जिनका अनुक्रम जो है एक मनुष्य के सभी कोशिकाओं में तथा जो उसके वंशजों में समान होता है। इस तरह जो डीएनए की अंगुली छाप का प्रयोग करके किसी व्यक्ति की जो है पहचान की जा सकती है। ओके, ये आपको याद रखना चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, जेनेटिक्स किसका अध्ययन करता है, किसका अध्ययन है, तो वो है आपके आनुवांशिक और विचरण का अध्ययन है। संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है, तो मछली की संख्या जो है वो सर्वाधिक है। सबसे विषैले मछली कौन सी है, तो वह है पाषाण मछली, स्टोन जो फिश होती है वो। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली जो कीट भक्षी मछली है वो है गिंबूसिया। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, जल से बाहर निकाले जाने पर मछली मर जाती है, क्यों मर जाती है, क्योंकि वो श्वास नहीं ले पाती, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, एम्फीबिया बताते हैं जल व स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले जो है पशुओं को। ओके, एम्फीबियंस किसको बताते हैं, मतलब जो कि जल और कहाँ पर रह सकते हैं, स्थल में दोनों जगह रह सकते हैं। ओके, बात करें घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है, वो है आपका किंग कोबरा। और पहला क्लोन पशु यानी कि जो डॉली है कौन सा पशु था, तो वो था भेड़। ओके, बात करें कुछ रेगिस्तानी छिपकलियाँ अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती हैं, किस प्रकार के मदद मिलती है, इससे किस प्रकार की मदद मिलती है, तो जीवों का जो पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन की मदद मिलती है। डायनासोर थी, मीसोजोइक सरीसृप थे वो। ठीक है, बात करें किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट जो है वो रंग बदलता है, तो वर्ण की लवक के कारण। पृथ्वी पर जो है विशालतम जीव पक्षी कौन सा है, तो वो है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग जो है विशालतम जीव पक्षी है। ओके, बात करें डुगोंग्स नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन के कगार पर है वो क्या है, तो वो एक स्तनधारी है। न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला जो युड्डनहीन पक्षी है, तो वो कौन सा है, कीवी है, कीवी। ओके, ऑर्कियो पेट्रिक्स जो क्या है, वो है जुरासिक युग का जो है सर्व पुरातन पक्षी है। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती हैं, तो अंटार्कटिका में पाई जाती हैं। सबसे बड़ा उड़ने में पक्षी जो कि सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वो कौन सा है, वो है ऑस्ट्रिच। पाबो क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है, तो मोर का वैज्ञानिक नाम है। एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है, तो वह है गुंजन पक्षी। ओके, बात करें वेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, तो चार चैम्बर होते हैं। ओके, वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान जो है हो जाता है, तो वह कंटक चूहा। स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में अधिकता में पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है, यूरिक अम्ल पाया जाता है। हरित ग्रंथियां किससे संबंधित है, उत्सर्जन से संबंधित है। बात करें हरित ग्रंथियां किससे संबंधित है, उत्सर्जन की। कूटक कील किसमें नहीं पाया जाता, तो बतख में नहीं पाया जाता है। डायनासोर क्या थे, तो वो सरीसृप जो लुप्त हो गए थे वही थे। इसके बाद बात करें रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ जो है कौन सा है, तो वो है आपका हेपेरिन। अगला क्वेश्चन है, आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणी के बीच जो है योजक की कड़ी है, सरीसृप और पक्षियों के बीच। किस समूह के जीवों को डूबने से मृत्यु का पता लगाने में महत्व है, तो वो है डायटम का। ओके, बात करें इसके बारे में कुछ नोट करना है आप लोग को। डायटम शैवालों का समूह है जो डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्वपूर्ण होता है। मेमत किसके पूर्वज है, तो वो है हाथी के। जो फेरोमोन्स कहाँ पाए जाते हैं, तो कीटों में पाए जाते हैं। भारत में सबसे बड़ी मछली कौन सी है, तो है वेल शार्क। प्राइमेटों में आधुनिक मानव का जो निकटतम संबंधी कौन है, तो वह है गोरिल्ला। पांडा भी उसी कुल का है जिसका क्या है, भालू है। ठीक है, भालू और पांडा दोनों एक ही कुल के हैं। अधिकांश कीट जो इंसेक्ट हैं शोषण कैसे करते हैं, तो वो जो बातक तंत्र है उससे करते हैं। कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है, तो वो है एकेडना। तो किस सर्प का भोज्य प्रमुख मुख्य रूप से अन्य सर्प होता है, तो वो है नागराज। ओके,
अगला क्वेश्चन है कि तालाबों में और कुओं में किसकी किसको छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने की मदद मिलती है। तो वो है गेंबूसिया। मधुमक्खी में जो है पुम धूप जो कि ड्रोन होते हैं, तो वो कैसे होते हैं, जनन क्षम नर होते हैं। कपोत दुग्ध उत्पन्न करता है, तो वो पक्षी उत्पन्न करता है। कौन सा भाग हाथी के जो है गजदंत के रूप में बदलता है, तो वो दूसरा कृदंत। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि जो डार्विन फ्रिंचिंग का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है, तो वो पक्षियों के लिए किया जाता है। विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन एशिया का शीर्ष परभक्षी है, तो वह ढोल। बात करें जो कि विभिन्न जातियों के एक्स जो सिंटू संरक्षण के लिए कौन सा जो है उद्दिष्ट है, तो वो है आपका जर्म प्लाज्म बैंक। ओके, तो फाइनली इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको कुछ ना कुछ नया जानने को मिला होगा। कुछ नया जानने को मिला हो तो शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताइएगा कैसी वीडियो लगी है। ओके, तो नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।